कि गाय जो है वो भी इस वायरस की चपेट में है। गाय की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और लोग भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो गाय को चराने के लिए जाया करते थे, उनका दूध पिया करते थे, उन्होंने ही माता का दर्जा उन्हें दिया। और संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। लंपी वायरस की वजह से जम्मू के अंदर मवेशी जो हैं वो तड़प रहे हैं, इस बीमारी की वजह से मवेशी जो हैं वो तड़प रहे हैं। और कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि गाय जो है वो भी इस वायरस की चपेट में है। गाय की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और लोग भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो गाय को चराने के लिए जाया करते थे, उनका दूध पिया करते थे, उन्होंने ही माता का दर्जा उन्हें दिया। और उसके बाद हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वो सभी गाय की पूजा करते हैं, उन्हें माता का दर्जा देते हैं। तो इस त्योहार के ऊपर ये लोग किस तरह से अपनी माता को तड़पता हुआ देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो लंपी वायरस से मवेशी जो हैं वो बीमार हैं, ग्रस्त हैं, उनकी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और एक काफी मनमोहक तस्वीर है, एक छोटा नन्ना बच्चा जो है वो गाय के साथ खेल रहा है, वो तस्वीर देखें। इसके अलावा एक गाय की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वायरस की चपेट में है और ऐसा लगता है कि वो अश्रु बहा रही है। विस्तार से यह खबर हम आपको बताएंगे। जम्मू के कई जिलों में पशुओं में फैली लंपी वायरस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। उपचार के लिए दवाइयों की कमी ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। पशुपालक बीमार पशुओं को बचाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपचार करने में जुटे हैं। बारिश के बाद बीमारी और फैल गई है। हफ्ते के भीतर ही जिले में 7 पशु मर चुके हैं और 1400 से ज़्यादा बीमार हैं। सीमावर्ती इलाके के बाद अब कस्बे में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। सांबा कस्बे के मंडीगढ़ में कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनके मवेशियों के शरीरों पर गांठें बन रही हैं और बुखार भी है। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन उनके द्वारा लिखी गई दवाई कहीं मिल नहीं रही है। सीमावर्ती गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में कॉल की थी तो डॉक्टरों ने उनकी गाय का उपचार किया लेकिन जो दवाइयां लिखकर दी हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रही हैं। इसी तरह की कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पर गाय जो है वो लंपी बीमारी के लक्षणों से ग्रस्त है, दम घुटने से मवेशियों की मौत हो रही है। मदवाल के पशुपालक जो हैं उन्होंने बताया कि उनकी भी गाय की मौत हो गई है। डेरा गांव में भी एक मवेशी बीमार होने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा पखड़ी, जेरड़ा, मालशा और कई और इलाकों में भी मवेशियों की मौतों की सूचना आ रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम के नंबर जारी करने से किसानों को लाभ मिल रहा है। इन हेल्पलाइन नंबरों पर बाहरी जिलों के किसान भी संपर्क कर रहे हैं। इस वायरस को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासन को कार्य करना होगा, टीकाकरण शुरू करना होगा ताकि इस वायरस से ग्रस्त जितने भी मवेशी हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि कई मवेशियों की मृत्यु भी हुई है और कई मवेशी जो हैं वो अभी तक बीमार हैं, ग्रस्त हैं। और तस्वीर आपने देखी, एक गाय वो अपनी आंखों से अश्रु बहा रही है, ऐसा लगता है कि वो अश्रु बहा रही है। तो इस वायरस को रोकने के लिए अब तक सरकार की तरफ से कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है जिससे इस वायरस को पूरी तरह से रोका जा सके। तो जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान देना होगा,
सरकार को। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।